Hello everyone, welcome to e-learning platform of AgriMD classes. Today I will discuss about IFCO IGT solved question paper 2019. Let's get start the video. Okay, तो IFCO IGT 2019 solved question paper हम discuss करने वाले हैं. तो इसमें first question है, which method is used for protoplasm culture, यानी कि protoplasm culture में कौन सा method use होता है. तो आपका answer होगा हैंगिंग ड्रॉप कल्चर. इसमें दो मेथड होते हैं, एक हैंगिंग ड्रॉप कल्चर होता है और दूसरा जो मेथड होता है माइक्रो कल्चर चैम्बर होता है. तो चलिए पढ़ लेते हैं. प्रोटोप्लाज्म कल्चर, प्रोटोप्लाज्म कल्चर द वेरी फर्स्ट स्टेप इन प्रोटोप्लाज्म कल्चर इज डेवलप्ड ऑफ अ सेल वॉल अराउंड द मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म कैन बीन कल्चर्ड इन सेवरल वेज, हैंगिंग ड्रॉप कल्चर एंड माइक्रो कल्चर चैम्बर सॉफ्ट एगर मैट्रिक्स. दिस इज वन ऑफ द बेटर मेथड एज इट इंश्योर सपोर्ट फॉर द प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, तो ये इसके दो मेथड होते हैं जो प्रोटोप्लाज्म को सपोर्ट करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली डज द वीट ग्रास बिलोंग टू. मतलब वीट जो ग्रास फैमिली है वो किससे बिलोंग करती है वीट की. तो वो पोएसी से होगी. पोएसी का अदर नेम ग्रेमिनी भी होता है. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री, विल हेल्प इन ऑब्जर्विंग द एबिलिटी ऑफ कैश इन द बिजनेस थ्रू आउट द ईयर. तो ये आपका आंसर हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर फोर, अ फार्मर फाइंड दैट व्हेन यूजिंग टू गिवन इनपुट रिसोर्स टू ऑब्टेन अ गिवन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, एनी डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वन इनपुट लीड टू इंक्रीज यूज ऑफ अदर इनपुट यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द इनपुट रिसोर्स. तो इसका आपका आंसर हो जाएगा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच माउथ पार्ट इन द इंसेक्ट इज इनिशियली यूज सक द लिक्विड एंड ब्रेक डाउन द फूड इंटू सब ग्रुप. यानी कि कौन से जो इंसेक्ट होते हैं जिनके माउथ पार्ट में जो फूड होता है उनको लिक्विड में ये कन्वर्ट करके सब ग्रुप में करके उनको फूड के रूप में इंटेक करते हैं. तो इसका आपका आंसर हो जाएगा स्पंजिंग टाइप. ओके, तो बात कर लेते हैं माउथ पार्ट से इंसेक्ट. ओके, तो इसमें फर्स्ट है बाइटिंग एंड चेविंग माउथ पार्ट्स. दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर सपोज टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप एज द अदर टाइप आर बिलीव्ड टू बी इन्वॉल्व फ्रॉम बाइटिंग एंड चेविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स. दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन अर्थोप्टेरा इंसेक्ट लाइक क्रोक्रोच, ग्रास हॉपर और क्रिकेट. तो इनमें ये पाया जाता है. ओके, नेक्स्ट है चेविंग एंड लैपिंग टाइप. तो दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड टू कलेक्टिंग द नेक्टर एंड पोलन फ्रॉम फ्लावर एंड ऑल्सो फॉर मोल्डिंग द वैक्स एज इन फाउंड इन हनी बी वेब्स. ओके, तो ये हनी बी और वेब्स में होता है पोलन नेक्टर जो कलेक्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स. दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर अडेप्टेड फॉर पियर्सिंग एंड टिश्यू ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट टू सक ब्लड एंड प्लांट जूस. तो ये क्या करते हैं, जो एनिमल होते हैं उनका ब्लड सक करते हैं और प्लांट जूस को भी ये सक करते हैं. फाउंड डिप्टेरा इंसेक्ट लाइक, ये डिप्टेरा के होते हैं. इसमें आपका मॉस्क्यूटो, हेमिप्टेरा, इंसेक्ट लाइक बग्स, एफिड, ये इसके एग्जाम्पल आते हैं. ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पॉन्जिंग टाइप. ओके, स्पॉन्जिंग टाइप में दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर अडेप्टेड फॉर सकिंग अप लिक्विड और सेमी लिक्विड फूड एंड फाउंड इन हाउस फ्लाई एंड सम अदर फ्लाइज. तो ये हाउस फ्लाई और सम अदर फ्लाई में पाए जाते हैं. यही आपका क्वेश्चन का आंसर है स्पंजिंग टाइम. ओके, दिस कंसिस्ट टू लेब्रम, इफिथेरिक्स, मैगजिली, लेबियम एंड हाइपोफेरिंग्स, मेडिबल आर इंटायरली एब्सेंस. ओके, लास्ट है आपका साइफनिंग टाइप. ओके, तो साइफनिंग जो टाइप के माउथ पार्ट होते हैं, दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर अडेप्टेड वंडरफुली फॉर सकिंग फ्लावर नेक्टर एंड फ्रूट जूस फाउंड इन बटरफ्लाई एंड मॉथ्स बिलोंगिंग टू अदर लेपिप्टेरा क्लास इंसेक्ट. ओके, तो ये लेपिप्टेरा के होते हैं, इनमें बटरफ्लाई और मॉथ्स आती हैं. क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच क्रॉप हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इंक्रीज ऑफ RH, यानी कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है अगर वो इंक्रीज होती है तो वो कौन सी क्रॉप के लिए हार्मफुल रहेगी. वैसे अगर ह्यूमिडिटी की बात करें तो 40-60% रिक्वायर्ड रहती है क्रॉप को रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ओके, आर्द्रता. तो चलिए बात कर लें, अंडर द हाई ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज नेटिवली को रिलेट विथ ग्रेन यील्ड ऑफ मैच. द यील्ड रिड्यूस वाज 144 किलोग्राम पर हेक्टेयर विथ अन इंक्रीज इन 1% ऑफ
mean monthly relative humidity. Similarly, wheat grain yield is reduced in high relative humidity, यानी कि इनमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी वो क्या होगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी. इट कैन बी एट्रीब्यूट टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ आरएज ऑन पोलिनेशन एंड हाई इंसिडेंस ऑफ पेट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट द यूज ऑफ अ कैश फ्लो बजट. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैलकुलेट बिजनेस इक्विटी. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीजनल पेस्ट. तो सीजनल पेस्ट इसमें कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा राइस का स्टेम बोरर. ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न्ड विथ, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न क्या है, तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कंज्यूमर बिहेवियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉल्ड अन इंडक्टिव मेथड इन द इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें आ जाएगा आपका एनालिटिकल. ओके, क्वेश्चन नंबर 11, द सोइल इन विच द पोर्स आर इंटरकनेक्टेड एंड, ठीक है, तो इरेगुलरली साइन एंड शेप्स होते हैं, तो वो किसके होते हैं, स्पंजी टाइप में होते हैं. ठीक है, इरेगुलर इन साइज एंड शेप्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द प्लांटिंग डिस्टेंस ऑफ द सपोटा क्रॉप इज 8x8 meter. कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रीज पर हेक्टेयर बाय यूजिंग द स्क्वायर सिस्टम. तो स्क्वायर सिस्टम में आपका जो सपोटा का प्लांट होता है उसमें प्लांट एक हेक्टेयर में कितने लगेंगे वो इसमें आपको कैलकुलेट करना है. तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 156, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो प्लांट पॉपुलेशन का एरिया अपन रो इंटू प्लांट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द ला विच एक्सप्रेस इट सेल्फ वाइल मास्किंग द अदर एक्सप्रेशन कंप्लीटली व्हेन टू एलील्स आर ब्रॉट टुगेदर इन F1 हाइब्रिड. तो इसमें आ जाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 14, एन इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट नेमाटोड इन्फेस्टेशन व्हेन इट इज नॉट येट प्रेजेंट इन द एरिया. तो क्वारंटाइन, ठीक है, तो क्वारंटाइन आप जानते ही हो, कोविड में कैसे क्वारंटाइन करते थे उसी तरह उसमें मेथड में क्वारंटाइन कर दिया जाता है इसमें. ओके, क्वेश्चन नंबर 15, सनफ्लावर एंड बकवीट आर एग्जांपल ऑफ. तो सनफ्लावर और बकवीट किसके एग्जांपल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन लीफ नॉन लेग्यूम मैन्योर. ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम. तो ये आ जाएगा पब्लिक फंडिंग इसका आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, तो विच टाइप ऑफ मेथड इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग एंड स्टोरिंग द एनर्जी बाय बर्निंग द वुड एंड गर्बेज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एनएरोबिक डाइजेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इज द एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन परटेनिंग टू एग्रीकल्चर. तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ICR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, प्रोडक्शन ऑफ कॉफी पाउडर फ्रॉम कॉफी सीड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्म यूटिलिटी. ओके, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है. तो क्वेश्चन नंबर 21, द कंडीशन वेयर द प्लांट इज अनेबल टू प्रोड्यूस अ जायगोट विथ इट्स वन पोलन इज एग्जाम्पल ऑफ. तो ये कौन सा किसका एग्जाम्पल है, तो जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी. ओके, क्वेश्चन नंबर 22, तो डेडेडेस इज कॉल्ड एज अ लाइट सेंसिटिव पार्ट ऑफ ओमेटिडियम. तो इसका आ जाएगा पिगमेंट सेल्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ रिस्टोरेटिव क्रॉप्स. तो ये मैंने एग्रोनॉमी की जो लेक्चर है उसमें आपको बेसिक जो टर्म्स होती है उसमें पढ़ा है रिस्टोरेटिव क्रॉप क्या होती है, तो वो लेग्यूम होती है. अब लेग्यूम कैसे रिस्टोरेटिव क्रॉप होगी, क्योंकि वो एनवायरमेंटल से जो एनवायरमेंट की नाइट्रोजन होती है उसका फिक्सेशन करके सोइल में फिक्सेशन कर लेती है. ठीक है, तो उसी के कारण इसको इस क्रॉप को क्या कहते हैं, हम रिस्टोरेटिव क्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि सोइल की फर्टिलिटी को ये इंक्रीज करती है, तो ये लेग्यूम क्रॉप होगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स द इंश्योर कैन नॉट बी कवर्ड. तो मैन पावर. ओके, इसका आंसर हो जाएगा आपका मैन पावर.
देन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन एंड लेक्चर के लिए। ओके, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरासाइट। पैरासाइट नहीं है, वो है आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स क्या है? एक फाइलम है, ठीक है। तो जैसे यहाँ मैंने ये डिस्क्राइब किया है, आर्थ्रोपोड्स एनी मेंबर ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा, द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम विच इंक्लूड सच फैमिली फ्रॉम द लॉबस्टर, क्रेब्स, स्पाइडर, माइट्स, इंसेक्ट, सेंटीपेड्स एंड मिलीपीड्स। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर एग्रीकल्चर क्विज बाय महेंद्र के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो वहाँ पर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो एग्रीकल्चर क्विज बाय महेंद्र, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।